अगर कोई अपना पुणे की तरफ से वीडियो देख रहा है तो वो उसके मन में कोई डाउट रहे तो ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं भाई स्टेयरिंग कवर उतारा जाता है, इसमें एयर बैग निकाले जाते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना उसमें। सो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि अपना स्टेयरिंग कवर यहाँ पर उतर चुका है, ठीक है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आपका भाई आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं हम लोग जो बोलते हो ना गाइस OEM स्टेयरिंग कवर कैसे सिलर जाता है, जैसे कि कंपनी की तरफ से हम लोग टॉपेड वेरिएंट गाड़ी का खरीदते हैं तो किस तरीके से अपना स्टेयरिंग कवर रैप होकर आता है, उसी तरीके से आफ्टर मार्केट में भी स्टेयरिंग कवर सिले जा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग वापसी आ रखे हैं व्हीकल आर्ट्स की तरफ से। तो गाइस देखो, ये वाली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को पहली बार देखने को मिलेगी। ऑल दो व्हीकल आर्ट्स की तरफ से बहुत सारी है गाड़ी जो कि OEM स्टेयरिंग कवर करके हो चुकी है, पर लेकिन मैं आप लोगों को आज डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ OEM स्टेयरिंग के ऊपर, जिसमें सिर्फ हमारा स्टेयरिंग कवर रहने वाला है। तो गाइज देखो, इसमें बहुत सारे लोगों के मित्र रहते स्टेयरिंग कवर अगर हम लोग आफ्टर मार्केट में करवाने के लिए गए जैसे कि OEM में, तो गाइज देखो अपना स्टेयरिंग कवर उतरता है, उससे एयरबैग में प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये सारे मिथ आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आपकी चाहे कौन सी भी गाड़ी हो, ठीक है, कौन सी भी गाड़ी हो, चाहे वो अल्टो हो, एंडेवर हो, या फिर आपकी फॉर्च्यूनर हो, फॉर्च्यूनर का लोअर वेरिएंट, आपको सारे गाड़ियों में OEM स्टेयरिंग कवर आप लोगों को करवाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आप लोगों को व्हीकल आर्ट्स का नंबर एड्रेस विथ लोकेशन के साथ में दे रहा हूँ। तो जाओ अब वीडियो देखो और इस वीडियो को डिटेल में देखना, सोच समझ के देखना, गलत सलत कमेंट नीचे मत मारना गाइस में। तो गाइस देखो, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट देना, इसी के साथ में मेरे चैनल को पहली बार आप लोग आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना। स्पेशली आप पुणे की तरफ से देख रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो, लाइक मारो, कॉमेंट करो, इसी के साथ में आपकी भी क्या राय बनती है इस वीडियो को देखने के बाद नीचे जरूर कॉमेंट मारना। ओके गाइस, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि अपनी जो रहने वाली है फोर्ड की, जो कि क्लासिक आती थी पुराने टाइम के तब, जो कि इसका ओल्ड वेरिएंट रहने वाला है, तो मैं आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाना चाहूँगा अंदर की तरफ से। सो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते कि इसका यहाँ पर स्टेयरिंग कवर उतारा गया है, क्योंकि भाई देखो व्हीकल आर्ट्स की तरफ से मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को निकालते हुए दिखूंगा अपने चैनल के ऊपर। क्योंकि गाइस देखो, आप लोगों को पहली बार कुछ ऐसा सा अब मैं आप लोगों को सेटअप दिखा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इसके बढ़िया तरीके से यहाँ पर कपलर निकलते हैं जो कि पूरा OEM फिटिंग इसमें रहने वाला है, हैंड टू हैंड। इसमें कोई भी आप लोगों की वायरिंग की खींचा जाने वगैरह कुछ भी इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। इसी के साथ में यहाँ पर के जो नट, मेन नट अपना रहता है, वो बोल्ट यहाँ पर निकाला जाता है। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये वाला अपना एयरबैग रहने वाला है। सो इसमें एक बात ज़रूर गौर करी जाए, क्योंकि गाइस देखो ये वाला बहुत ही एक संभल संभल के काम करने वाला काम है, क्योंकि गाइस देखो ये वाला काम मैं आप लोगों को पहली बार व्हीकल आर्ट्स की तरफ से दिखा रहा हूँ। ऑल दो उन्होंने बहुत पहले टाइम से बहुत सारे गाड़ियों में करे हैं, पर लेकिन मैं आप लोगों को पहली बार वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस आप लोग खुद यहाँ पर जस्टिस कर सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से आउटपुट गाड़ी का निकल पाएगा। ओके गाइस, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि अभी जो अपना OEM जो कि स्टेयरिंग कवर बोलते हैं उसका हो रहा है, पर लेकिन स्टेयरिंग कवर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेयरिंग कवर पूरा का पूरा अपना OEM करा जाता है, जिसमें ये आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग उतरता है, उसके बाद इसके सारे नक्के खुलते हैं। और इसमें क्या कर रहे हो भैया? और अभी खोल के बनाना है कपड़े काट के, इसका सब रेडिएशन माप भी सब कुछ लोगे, इसमें नाप लेके। सो इसमें अभी क्या कर रहे हो तुम? एयरबैग वगैरह सब कुछ निकल दिए? एयरबैग निकाल दिए उधर ही जी। वैसे एयरबैग का वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम वैसे निकालने में नहीं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये पूरा अपना ढक जाएगा, मतलब कि पूरा OEM के साथ, जैसे ओरिजिनल जो आते हैं, ओरिजिनल जो कि कंपनी की तरफ से टॉप एंड वेरिएंट में रहते हैं, वैसे वैसे ही पूरे, ठीक है। ओके, और एक बात गाइस, ये वाला जो कि अपना फिटिंग रहने वाला है, जो कि पहली बार आप लोगों को YouTube में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा जो कि मैं आज व्हीकल आर्ट्स की तरफ से स्पेशली स्टेयरिंग कवर अपने रैप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों को कोई भी नहीं दिखाएगा। ऐसी फिटिंग आप लोगों को पुणे की तरफ अगर आप लोग करवाना चाहते हो तो
आप लोग व्हीकल आर्ट्स की तरफ से कैसे आ सकते हो, नीचे मैंने आप लोगों को एड्रेस दिया है। इसी के साथ में आप लोग फैक्ट्री की तरफ नज़र देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लो, ऐसी कुछ अपनी फैक्ट्री रहने वाली है। तो अपने सारे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो भाई अपने सारे भाइयों को हेलो ज़रूर बोल दो। ठीक है, अपना भाई काम कर रहा है। सो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि अपना स्टीयरिंग कवर यहाँ पर उतर चुका है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ता चला जाता है मैं आप लोगों को इसकी फिटिंग दिखाते चले जाऊंगा। ओके गाइस, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि इसकी जो कि अपना कपड़ा लगने वाला है स्टीयरिंग के ऊपर, ये वाला यहाँ पर कटिंग होती है। बहुत ही परफेक्शन के साथ में काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि भैया बढ़िया तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा माप ले रहे हैं इसका। सो देख सकते हो। सो इस कपड़े के बारे में बात करते हो तो गाइज़ ये वाला अपना कपड़ा रहने वाला है जो कि डॉल्फिन मेरा बहुत ही फेवरेट है। क्योंकि गाइज़ देखो, जब मैंने पहले बार में व्हीकल आर्ट्स की तरफ आया था, इसमें यही कपड़ा मेरे को ज़्यादा पसंद आया था। क्योंकि इसमें जो क्वालिटी आप लोगों को कहीं और कपड़े में नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार दिखाता रहता हूँ जो कि अपना रहता है विक्टोरिया लेदर, ये थोड़ा सा उससे प्रीमियम में आता है वैसे, लेकिन मेरे लिए ये फेवरेट है। तो अब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते कि भैया यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं सारे पीस की। तो अच्छे तरीके से करवा लोगे भैया? हाँ। एकदम अपने परफेक्शन के साथ में। सो देख सकते हो। सो वैसे एक बात करूँ तो अगर कोई ऐसा अपना ओएम कराने के लिए आता है तो वैसे कितना टाइम इसके लिए देना पड़ता है? आधा पौना घंटा, मतलब कि पूरा अपना निकाल के, पूरा गाड़ी आने के बाद कटिंग कुटिंग करवा के बाद? मैं सिर्फ वो निकाल के और कटिंग वटिंग करेंगे तो सिलाई आधा पौना घंटा। तो पूरा देखा जाए तो पूरा देखा जाए तो एक डेढ़ घंटा, दो घंटा, एक डेढ़ घंटा लगेगा। ठीक है, चलेगा। सो जैसा ही आगे और बढ़ते जाते हैं तो मैं आप लोगों को आगे इसकी फिनिशिंग देता चला जाऊँगा। तो प्लीज़ 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 गाइज, आप लोग इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहना। क्योंकि गाइज देखो, अगर आप लोग स्किप करके चले जाओगे तो बाद में आप लोगों को वैसे पता नहीं चलेगा कि गाड़ी का आउटपुट कैसे निकला जो कि स्टीयरिंग के तौर पे। ठीक है, सो गाइज अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते कि इसका पूरा का पूरा कटिंग हो चुका है। तो भाई अभी भी यहाँ पर कटिंग कर रहे, तो यहाँ पर कोई बोस्टिक बिस्टिक लगाते हो क्या आप? हाँ, यहाँ पर भी बोस्टिक लगाना पड़ता है, तब जाके बैठ जाते पूरा अपना प्रॉपर जो कि अपने नॉर्मल फिटिंग करते जी। जहाँ जहाँ ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि पूरी जगह की तरफ। तो कौन सा बोस्टिक लगाते हो जरा आप दिखाओगे? ठीक है ठीक है ठीक है। सो वैसे ही बात करो जाए तो वैसे इसकी कटिंग कितनी प्रॉपर हम लोग कर सकते हैं, जितना हो सकता है आप कर सकते हो उतना ही प्रॉपर है। ठीक है ठीक है, देख सकते हो गाइस। नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके गाइस, सो कल रात को बहुत देर हो गई थी, मैं तो घर पे चला गया था, भैया तब भी काम कर रहे थे क्योंकि रात बहुत हो गई थी, टाइम बहुत हो गया था। पर लेकिन इस काम के लिए भैया, अगर बताओ कि कोई कस्टमर गाड़ी छोड़ के जाता है तो उसका भी काम आसानी से हो जाएगा? हाँ, आसानी से हो जाएगा। मतलब कि वैसे कि इसको कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है वैसे। हाँ, तो कस्टमर चाहे वैसे गाड़ी छोड़ कर भी जा सकता है। जा भी सकता है और बैठ भी सकता है। ठीक है, बैठ भी सकते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा इसका कटिंग कुटिंग हो चुका है, अभी सिर्फ सिलाई चल रही होगी, है ना भैया? ठीक, इधर का हो गया, देखा एक बार वो वाली स्टिचिंग। सो ये वाला जो मार्किंग आपने करा है वो मिट जाएगा ना? मिट जाएगा, ऑयल से मिट जाएगा आसानी से। ठीक है, तो काम अब ऑलमोस्ट रेडी होने को आ रहा है, तब भी मैं आप लोगों को गाड़ी में लगने के बाद एक आउटपुट ज़रूर इसका दूंगा। लीजिए कि अपना यहाँ पर पूरा का पूरा स्टीयरिंग कवर रैप हो चुका है जो कि फुल ओईएम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लो, पूरी कट टू कट फिनिशिंग अच्छे तरीके से निकाल दी है भाई ने, यहाँ पर देख लो। सो अब इसकी इंस्टॉलेशन होगी, तो इसकी इंस्टॉलेशन भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो करो भाई इंस्टॉलेशन, मैं उस साइड की तरफ से आता हूँ। ओके गाइस, तो अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने विजय भाई आ चुके हैं। तो विजय भाई अपने सारे भाइयों को हेलो ज़रूर बोल दो। तो विजय भैया, आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन करोगे, तो इसकी इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें यहाँ पर कोई व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है इसमें? नहीं पड़ती। वैसे कोई नहीं, स्टीयरिंग अलाइनमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आप भी आप लोग यहाँ पर देख सकते कि विजय भाई के हाथ में अभी स्टीयरिंग कवर है, तो इसकी इंस्टॉलेशन एकदम प्रॉपर हो जाएगी, एकदम प्रॉपर जैसा था वैसे। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर बैग रखा गया है,
कोई अपना पुणे की तरफ से वीडियो देख रहा है तो वो उसके मन में कोई डाउट रहे तो ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं भाई स्टेयरिंग कवर उतारा जाता है, इसमें एयर बैग निकाले जाते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना उसमें? कुछ नहीं ना वैसे? ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझ कर यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे। तो विजय भैया अपने सारे इंस्टॉलेशन अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते कि कर रहे हैं, गजब की यहाँ पर फिनिशिंग आई है, देख सकते हो फुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली। तो विजय भैया हम लोग अब एयर बैग लगाने वाले, तो एयर बैग में कौन कौन से कपलर यहाँ पर लगते हैं एक बार समझा? ये वाला मेन कपलर रहता है जी, वो आराम से लगाना पड़ता है। हाँ ठीक है, सो ये बाकी के अपने कौन से सेंसर रहने वाले? ये हॉर्न के, हॉर्न्स के दो कपलर है इसको हॉर्न के जी, बाकी गाड़ियों में एक सिंगल ही आता है जी। सो जिन गाड़ियों में हमें माउंटेन बटन्स मिलते हैं तो उनमें भी हो जाएगा प्रॉपर फिनिशिंग, मतलब कि उसमें बहुत सारे कपलर आते रहेंगे कि या फिर उनको भी अनइंस्टॉल करना पड़ेगा हमें? कपलर सब निकालने पड़ते हैं जी, पूरा स्टेयरिंग निकालने के लिए कपलर निकालने पड़ते हैं जी, उसके बाद ही स्टेयरिंग माउंट हो जाता है। ठीक है, देख सकते हो गाइस तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विजय भैया अभी यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं सारे कपलर्स के। तो विजय भैया एक बार हैंड बजा के दिखाओ, एक बार एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आ चुकी है यहाँ पे, देख सकते हो, एक बार थम्स अप जरूर कर लो। ठीक है, सो गाइस मैं आप लोगों को इस साइड की तरफ से इसकी फिनिशिंग दिखाना चाहूँगा जो कि सिर्फ आप लोगों को व्हीकल आर्ट्स की तरफ से करके मिलेगा, देख सकते हो यहाँ से भी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सो इसमें हमें अलग अलग कपड़े का ऑप्शन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन से। सो इसमें अपना ये टॉप एंड रहने वाला है या फिर मिड वेरिएंट रहने वाला है? ऐसे मिड है। ठीक है, ओके गाइस, तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम हमारे वीडियो के लिए स्पेंड करा। तो बात आती है कि आप लोगों को जितने भी आपके डाउट रहेंगे, थॉट रहेंगे, इसी के साथ में मिथ रहेंगे, सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो गाइस देखो, इट्स तरीके से आप लोगों को स्टेयरिंग कवर करवाना होगा तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही बताया, आप लोगों को ऑल गाड़ियों में अवेलेबल हो जाएगा, अल्टो से लेकर अपनी बड़ी गाड़ियाँ या फिर मिड वेरिएंट जैसे कि अपने हैचबैक हो गई, सारे गाड़ियों में आप लोगों को इसी तरीके से OEM स्टेयरिंग करवाना होगा तो आसानी से हो जाएगा। तो कॉस्टिंग की बात करते तो आप लोगों को मैं हर एक गाड़ी की कॉस्टिंग इसमें डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को पर्टिकुलर गाड़ी की प्राइसिंग जाननी होगी, अगर आपकी कौन सी भी गाड़ी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आप लोगों को एड्रेस दे रहा हूँ, इसी के साथ में फ़ोन नंबर दिया है वीडियो में चलते चलते, तो आप लोगों को वैसे फ़ोन नंबर मिल चुका है, कॉन्टैक्ट कर लेना। इसी के साथ में आपको भी सीट कवर से रिलेटेड क्या भी कौन से भी काम करवाने होंगे कॉन्टैक्ट कर लेना। आप लोगों को अगर भी कोई अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, दूसरी कौन सी रिक्वायरमेंट रहेगी तो कॉन्टैक्ट करके भैया से बात कर लेना। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।